बैंगन के सब्जी तो आपने बहुत बार खाए होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन ये नए तरीके से बैंगन का सब्जी एक बार बना लेंगे फ्रेंड्स, तो दो रोटी के जगह आप चार रोटी खाना पसंद करेंगे। इतना ये टेस्टी बनता है सब्जी, बच्चे हो या बड़े सभी को ये सब्जी बहुत ही पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर बड़ी साइज का दो बैंगन लिया है। ये देखिए बैंगन को फ्रेंड्स लंबे और पतले इस तरह से कट करना है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने सारे बैंगन को कट कर लिया है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। तो इसका जो मसाला है मैं रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसे बारीक टुकड़ों में कट करके डाला है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लहसुन और एक इंच अदरक को डाला है। दो मैंने यहाँ पर हरा मिर्च डाला है। सभी को यहाँ पर मैंने पीस लिया है। ये देखिए इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ। तो गैस पर मैंने तवा रखा है, एक चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है और अच्छे से इसे फैला दिया है। जो मैंने बैंगन को कट करके रखा है तवे के ऊपर डाल दिया है, बैंगन के ऊपर हल्का हल्का तेल से घस दिया है। इसे फ्रेंड्स पकाना नहीं है, बस दोनों ही साइड इसे हल्का हल्का सेक लेंगे। इसे मैं दूसरे साइड पलट देती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बैंगन को क्यों सेक रही हूँ। इससे फ्रेंड्स बैंगन है जो बहुत ही नरम हो जाएगा और ये फ्रेंड्स आप आसानी से मोड़ सकते हैं। तो दोनों साइड अच्छे से सेका गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है और सेम तरीके से बचा हुआ बैंगन है उसे भी मैं इसी तरह से हल्का सेक लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप बेसन और इसमें मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिक्स किया हुआ जीरा गुलकी का पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल ही गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी। तो एक बार में फ्रेंड्स पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे मिलाते जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर घोल है जो रेडी हो गया, बिल्कुल इसी तरह का गाढ़ा घोल तैयार करना है। तभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो बैंगन को सेक कर रेडी किया है वो मैंने लिया है, तब मैं इसे एक प्लेट पर रख देती हूँ। बैंगन के ऊपर मैंने बेसन का घोल डाला है और अच्छे से इसे फैला दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए सेकने से फ्रेंड्स ये बहुत ही नरम हो जाता है और आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल ये रेडी हो गया है। और इसी तरह से बचा हुआ जो है सेम तरीका से मैं तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बैंगन को इसी तरह से तैयार कर लिया है। इसे अभी मैं साइड में रख लेती हूँ और इसका जो ग्रेवी है मैं तैयार कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने दो चम्मच तेल डाला है, तेल गर्म हो गया है। एक चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है और इसमें मैंने एक मीडियम साइज को प्याज को बारीक टुकड़ों में कट करके डाला है, मिला दिया है। ये हुए दो मिनट हो गया है और प्याज का जो कलर है हल्का चेंज हो गया है। तो मैंने जो टमाटर का पीस कर रेडी किया है पेस्ट वो मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी तीन से चार मिनट मिलाकर भूंज लेती हूँ। तो यहाँ पर तीन से चार मिनट हो गया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। सभी को मिलाकर दो से तीन मिनट और मैं भूंज कर मसालों को पका लेती हूँ। तो यहाँ पर मसाला है जो अच्छे से भुंजा गया है, ये देखिए। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है दो कप पानी और अच्छे से इसे मिला दिया है। तो आप फ्रेंड्स ग्रेवी अपने अनुसार गाढ़ा या तो पतला रख सकते हैं। तो मैं तो इसे रोटी के साथ खाऊंगी इसलिए इसे गाढ़ा रखा है। स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, मिला दिया है। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देती हूँ। तो यहाँ पर इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके बैंगन का रोल को डाल देती हूँ और पाँच मिनट तक मीडियम गैस पर इसे पका लेती हूँ।
तो यहाँ पर 5 मिनट हो गया है और ये देखिए सब्जी बिल्कुल ही रेडी हो गया है। तो मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये सब्जी कितना ही कम समय में झटपट बनकर तैयार हो गया है और बिल्कुल ही आपको सामान बाहर से लाने का ज़रूरत नहीं है। ये किचन का ही सामान से झटपट ये सब्जी बनकर रेडी हो जाता है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। इस तरीके से एक बार रेसिपी को घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं नई रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करते रहूँगी। तो मैं मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।